हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती शहर के विविध जगहों पर मनाई गई। छत्रपति शिवाजी भारत के बहादुर शासकों में से एक थे। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। मराठा साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय छत्रपति शिवाजी को जाता है। छत्रपति शिवाजी की जयंती को शिव जयंती और शिवाजी जयंती भी कहते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती पारंपरिक तरीके से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। शिवाजी को उनकी बहादुरी और रणनीतियों के लिए जाना जाता है, जिससे उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्धों को जीता था। छत्रपति शिवाजी स्वराज और मराठा विरासत के लिए जाने जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का जन्म भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका नाम एक देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था। दरअसल शिवाजी की माँ ने देवी शिवाई की पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की और उन्हीं पर शिवाजी का नाम रखा गया। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 को सईबाई निंबालकर के साथ हुआ था। शिवाजी ने मराठाओं के युद्ध कौशल जैसे गुरिल्ला युद्ध सिखाए। उन्होंने मराठाओं की एक बहुत बड़ी सेना बनाई। शिवाजी हर धर्म के लोगों को मानते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम सिपाही भी थे। उनका मुख्य लक्ष्य मुगल सेना को हराकर मराठा साम्राज्य स्थापित करना था। शिवाजी महिलाओं का सम्मान करते थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई हिंसाओं, शोषण और अपमान का विरोध किया। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने पर उनके राज्य में सजा मिलती थी। बुधवार को हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती शहर के विविध जगहों पर मनाई गई। महल स्थित शिवाजी पुतला पर शिवाजी की प्रतिमा पर अभिषेक कर शिव जयंती शुरुआत की गई। ढोल पथक के गूंज में जय शिवाजी जय भवानी बोलकर महाराज को मुजरा किया गया। शहर के विविध स्कूलों के छात्रों ने शिवाजी महाराज पर लघु नाटिका प्रस्तुत की। कार्यक्रम में राजे मुदोजी भोसले, महापौर संदीप जोशी और भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके उपस्थित थे। आज केवळ एवढंच सांगेल की शिवजयंती हे आपल्या राष्ट्रीय दैवत आराध्य दैवत शिवछत्रपतींची जयंती। शिवछत्रपतींनी दिलेला संदेश केवळ आजच्या दिवसापुरता कायम न राहता, हा आजन्म तुमच्या आणि आमच्या जीवनात कायम राहावा, हे राष्ट्रीयत्व, हे हिंदुत्व, हे नियमित आपल्या आयुष्यात राहावं, एवढीच या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड के साथ अभिषेक मानसी की रिपोर्ट, INBCN न्यूज, नागपूर।